बियाराम तो कैसे आपसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे मेरी तरह और आयुष भाई की तरह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक इंदौरी में। तो आयुष भाई अपन आज कहाँ आए और क्या करवा रहे हैं आज? भैया आज हम लोग आ चुके हैं बंगाली स्क्वायर पे, ना बंगाली स्क्वायर पे आ गए। लोकेशन आपको बाद में समझा देता हूँ अच्छे से, बट आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग पहले देखा होगा तो अपन ने खाया था 14 mm का पराठा भाई, जो मैंने आप लोगों को टेस्ट करके बताया था। मगर आज अभिषेक भाई उस चीज़ का चैलेंज लेने आ गए हैं कि भाई उस 14 mm के पराठे को अभिषेक भाई कितनी देर में खत्म करते हैं। और अगर भाई इस शॉप का चैलेंज ऐसा है कि 14 mm का पराठा अगर आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर अंदर खा लिया या 1 मिनट तक भी खा लिया तो आपको 500 रुपये कैश प्राइस है। यहाँ पर चलते हैं पूरी मेकिंग देखते हैं और आपको अभिषेक भाई को चैलेंज देते हैं और देखते हैं कि अभिषेक भाई कितने में खत्म करते हैं और विनिंग प्राइस लेके जाते हैं या नहीं जाते। ठीक है भाई, तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी मजा आने वाला है। तब से मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ गाइज। लोकेशन की बात करूँ तो ये है अपना जो है बंगाली वाला, जो अपने पलासी की साइड से अपन बंगाली से रहते हैं, कनाडिया रोड जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर है ईरानी चाय। अगर आप इधर से आ रहे हैं तो पलासी होते हुए आएंगे तो इधर, अगर आप जाएंगे ना तो इधर बंगाली स्क्वायर आगे आता है, उसके पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा द ईरानी चाय। ठीक है, चाय ईरानी। तो चलते हैं अपन भैया के पास में उस पराठे की मेकिंग देखते हैं और चैलेंज अपन कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पाव भाजी वगैरह, पूरी भाजी 69 रुपीज़ में मिलेगी, 99 रुपये में आपको नाचोस बर्गर वगैरह ये मिल जाएगा, 149 रुपये आपको पिज़्ज़ा पास्ता माजा पास्ता और बहुत सारी वैरायटी की आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। होने वाला ना कुछ ऐसा पराठा होने वाला हो जिसको आपको 1 मिनट में खत्म करना ना, तो क्या लगता है? इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। ये नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है। धर्मेंद्र पांडे नाम है आपका भैया। कितने समय से आप शॉप चला रहे हैं अभी? ये यहाँ पे 2 साल से हो गए। 2 साल से चला रहे हैं जी। तो शॉप पर टाइमिंग वगैरह क्या है? शॉप पर टाइमिंग क्या रहता है अपना? सुबह अभी 10-11 बजे खुल रही है भैया जी, और आने वाले टाइम में अर्ली मॉर्निंग चालू होएगा भैया। ना अर्ली मॉर्निंग चालू हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये क्या कंसेप्ट है जो पराठे का लाए चैलेंज वाला? ये कॉन्सेप्ट इतना हैवी नहीं है, बस सिंपल सा पराठा है, इसको 1 मिनट में खत्म करो जी, 500 रुपये लेके जाओ। 1 मिनट में खत्म करो, 500 रुपये लेके जाओ। प्राइस क्या है इस पराठे का? 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का पराठा है। और अपनी शॉप 7 दिन ओपन रहती है या कभी ऑफ भी रहता है? 7 दिन ओपन, 7 दिन ओपन रहती है। और क्या क्या मिल जाता है आपके वहाँ? पराठा है, सैंडविच है, मैगी है, पास्ता है। ठीक है भैया, तो अभी आपने पनीर और शिमला मिर्च मिला लिया है। अभिषेक भैया जैसा बोल रहे हैं ना, हाँ, कि कोई नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई सबसे पहले जब मैंने पनीर देखा है तो मेरे को समझ में आया कि ये चीज नॉर्मल है, वो देख ही रहा ना मैं वीडियो में, ये चीज नॉर्मल है या नहीं है भाई। ये स्टफिंग तैयार हो रही है, देखो आप लोग। अभी भी शायद कंप्लीट नहीं हुई ना स्टफिंग, अभी कंप्लीट नहीं हुई ना। ये अपना मसाला है भैया, ये दर्रा मसाला बोलते हैं, ये 8-10 तरह का ये मसाला है। अरे इसमें सौंफ जैसा दिख रहा, सौंफ दिख रहा, धनिया दिख रहा है, ब्लैक पेपर है, इलायची, इलायची है। अरे 7-8 प्रकार के जो अपने हाँ। वो सारी चीजें मिक्स हो गई। जो मेन मसाला हमारा ये है, ये आपका सीक्रेट मसाला होगा। ये 27 मसालों का मिक्सअप है, 27 मसालों का मिक्सअप। भैया इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। ये पूरे एक पराठा में जाने वाली फिलिंग? ये एक पराठा में। कहाँ से भैया बोल रहे नॉर्मल है यार ये क्या भैया? ये अपना पराठे का ही मसाला भैया, पराठा का मसाला है। तो काय का बना थोड़ा बता सकते हैं? टमाटर पत्ता गोभी ये सब सारी चीजें, टमाटर पत्ता गोभी को मिक्स करके बनाया है। स्टफिंग रेडी हो गई भैया ने, ऊपर से सब पुदीना भी मिला दिया। तो भैया जैसे कि पराठा का चैलेंज आपका चल रहा, अभी तक किसने कोई जीत पाया नहीं जीत पाया? नहीं भैया अभी तक तो कोई नहीं जीता, अभी तक तो कोई नहीं जीता। कोशिश तो पूरी रहेगी भैया, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस भैया इसको बेल रहे हैं, अब ये पूरा जो है ना मसाला जो भैया ने तैयार किया, इतनी स्टफिंग वाला, ये तो मेरे को लग रहा है जो 3-4 पराठे की जो मेकिंग होती है ना वो भैया एक ही में डाल दे रहे हैं। नहीं बाकी भैया की जो शॉप पे रेगुलर जो चीज चलती है ना अभिषेक भाई, हाँ। तो ये पराठा भी उसमें से मैक्सिमम
मतलब बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इस पराठे के दीवाने हैं, और इस पराठे का नाम भाई 14 mm पराठा कोई भैया हमारे लिए स्पेशल ये चीज नहीं बना रहे हैं कि भाई नहीं तो वो मैंने बता दिया बोर्ड पे, जैसे भैया ने ईरानी चाय का जो बोर्ड लगाया ना वहाँ पे भैया ने 14 mm पराठा लिख रखा है। तो भाई लोग भैया क्या है कि स्पेशलिटी भी है कि भैया 14 mm का पराठा बनाते हैं और दो लोग इजीली इसको खा सकते हैं। आपने जब इसको टेस्ट किया था जो मैं तो जब आ नहीं पाया था, ठीक है, तो आपको कैसा क्या स्वाद लगा था? टेस्ट में तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि भाई लाजवाब टेस्ट लगा था, पर बहुत तगड़ा टेस्ट लगा था, और इसके लिए सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर डली है और जो उसका प्राइस है वो भी वर्थ इट है। मगर भैया जो चैलेंज दे रहे हैं कि 500 रुपये भी दे रहे हैं मगर आपको इतना अच्छा टेस्ट भी दे रहे हैं, तो भाई एक बार तो आप लोगों का आना बनता है यहाँ पर, भले ही चैलेंज के उससे मत आओ, चैलेंज लो या मत दो, मगर एक बार पराठा टेस्ट करना बनता है। ठीक है, और ये अपना जो है भैया इसको अच्छे से इसकी फिलिंग भैया ने भर दी है, आटा लगा दिया ऊपर से भैया ने, और ये भी एक स्पेशलिटी है भैया की, खासियत है मतलब क्या, पराठा पूरा हाथ से मिल जाता है देखना। हाँ वो दिखे रहा, बेलन तो भैया ने देखो साइड में रख दिया, पूरा हाथ से बनेगा, और भैया का तवा दिखाओ भाई पब्लिक, अभी रुक जाओ ना सरप्राइज, एक बार तवा देखना आप लोग भैया का, अब देखना तवा, और तवा भी भैया ने जैसे अलग से बनवा, कितना बड़ा तवा, कितना किलो का तवा होगा भैया? ये 35 kg का, 35 kg का तवा, इसमें पराठा सीखता है, इसमें पराठा सीखेगा। ये भैया तेल में सीखेंगे या घिया बटर में, किसमें सिखाएगा? ये तेल में सिखाएगा, एक तरफ थोड़ा सा सीखा हुआ है भैया ने, उसको पलट दिया है, एक तरफ थोड़ा सा सीख चुका है, 204 मिनट लगेंगे, इस पर जा रहा है ऊपर से ऑयल, अरे भैया ने इसको पलट रहे, रिफाइंड ऑयल में इसको सेका जा रहा है बढ़िया तरीके से। गाइस अपना जो पराठा है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, भैया इसके जो है कर रहे हैं पीसेस, इसकी स्टफिंग देखिए एकदम से पूरी बैठ चुकी है, कोई फेल नहीं रही, ये देखो आप इसकी स्टफिंग चेक करो आप, फेल नहीं रही है, पूरी बैठ गई है। तो गाइस अपनी जो प्लेटिंग हो चुकी है, भैया ने साथ में सर्व किया जैसे कि टमाटो सॉस, चटनी, रायता, और इस पराठे को मेरे को एक मिनट में खत्म करना, भैया रायता कंपलसरी नहीं है ना खत्म करना, रायता कंपलसरी नहीं है लेकिन रायते के साथ खाएंगे तो बेटर टेस्ट आएगा। हाँ वो तो देखते हैं पराठा का, अपन एक मिनट में नहीं खा पाए तो फिर टेस्ट करना ही है इसके साथ भी। ये अपन ने अभिषेक भैया को दे दिया है चैलेंज। हाँ तो ये अपना जो पराठा है आ चुका है, आप देख सकते हैं, देख लिया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त, 3, 2, 1 स्टार्ट, जल्दी 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 स्पीड से, बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक इंदौरी वाली पब्लिक देख रही है, जल्दी अभिषेक भाई, गरम बहुत है, अभी तो मजा आया खाने का भाई, इसमें रायता भी दिया साथ में, ये कंपलसरी कंपलसरी नहीं है खाना बट रायते से लगा लगा खाओगे ना अभिषेक भाई तो अच्छा टेस्ट आएगा, खाओ 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 जल्दी, टाइमिंग देखो भाई 23-24 सेकेंड, एक पीस खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी तो एक पीस खत्म नहीं हुआ है, क्या बात है, एक काम करो अभिषेक भाई क्विट कर दो मेरे हिसाब से, तो अच्छे टेस्ट करके बताओ। गाइस चैलेंज देखो पॉसिबल नहीं है, नहीं क्विट कर रहा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारेंगे। बात करो ना भाई, काफी लाजवाब पराठा है, जो भैया ने जो मसाला तैयार किया उसकी स्टफिंग बनाई ना, जो भैया ने उसमें सीक्रेट मसाला डाला है, चटनी बना के जो उन्होंने टमाटर और उसकी चटनी डाली थी, अरे काफी बार है, बढ़िया मजा रहा। आप मैं बताऊँ तो चैलेंज इस पराठे को चैलेंज करने के लिए हिसाब से मत आना, इसको अगर आपको टेस्ट करना है टेस्ट के हिसाब से आखिर करना, काफी बढ़िया, काफी 150 रुपये इसके लिए बर्थडे, ये जो भैया का रायता भी है बहुत कम जगह मिलता रायता, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। ये भाई हार चुके हैं चैलेंज तो पूरी तरीके से, काले भैया मेरा मुंह ना निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, बट कोई जिरावन भी मिला है, जब भी इंदौर के जाने में जिरावन भी मिला है, बाकी चटनी और टमाटर सॉस दिया, मैं तो चैलेंज हार गया, आप जो अगला वीडियो देखने को मिलेगा 880 वॉल्ट की वेज, तो चेतन भैया बहुत जल्दी आ रहे हैं 880 वॉल्ट की वेज खाने, मेरे को तो पराठा टेस्ट करके चैलेंज हारने का मजा आया, अरे चैलेंज हारने का मजा क्या है, पराठे का जो स्वाद है ना उसमें मजा आ गया, ठीक है, और कभी ट्राई करेंगे, बाकी अगर आपको वीडियो देख के मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना, साथ में अपना आईज पे है जिनने तुमको चैलेंज दिया तो अपना हार चुके हैं।
तो उनका चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके उनके चैनल का वो सब्सक्राइब कर क्या होगा दिखा देना। मिलते हैं सर मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए फील्ड एंड टेक केयर, बाय बाय, वी आर ऑन।